हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट लाइव गुरुजी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यूट्यूब का चैनल का नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के टाइम। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों यूट्यूब के चैनल का नाम ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंटेंट यहाँ ही किंग है और क्वालिटी ही किंग है। आपका कंटेंट, आपका क्वालिटी, आपके समझाने का तरीका, आपकी वीडियो, आपका नॉलेज, यही सब कुछ मैटर करता है। लेकिन चैनल का नाम स्टार्टिंग एज में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जब आपका चैनल का नाम जो होता है अगर थोड़ा सा यूनिक ना हो, कॉमन बहुत सारे चैनलों के बीच से मिलता जुलता चैनल हो, तो वो सर्च रैंक पर नहीं आता है जल्दी। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने टेक्निकल वर्ड से अपना चैनल क्रिएट करने की कोशिश की थी और मैंने सर्च किया था, माशाल्लाह वहां काफी बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम और उनकी वीडियोस के भरमार आ चुके थे, मेरा चैनल दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। और साथ ही साथ जब मैं अपने चैनल के बारे में काफी दोस्तों के साथ शेयर करता था ताकि वो मुझे सब्सक्राइब करे, देखे, उनको वो मुझे सजेस्ट कर सके कि वीडियो की क्वालिटी कैसा है, कॉन्टेंट कैसा है, इस बीच जब वो सर्च करते थे तो मेरा चैनल दूर दूर तक नहीं मिलता था। इनफैक्ट सर्च पर एक कैटेगरी का भी ऑप्शन होता है जहां पर आप वीडियो कब की अपलोड की गई, विद इन वन ईयर, विद इन वन वीक, और वीडियो देखनी है आपको या आपको चैनल देखना है, जब उस टाइप कैटेगरी के टाइप में चैनल को सिलेक्ट कर लिया जाता था कि मुझे सिर्फ इस वर्ड से चैनल देखना है, तो वहां पर भी मेरा चैनल दूर दूर तक नहीं दिखता था जब मैंने उस नाम से क्रिएट किया था चैनल। लेकिन यहाँ पर जब मैं स्पोर्ट लाइव गुरुजी की बात करूं, जो मेरा खुद का चैनल है, जब मैंने ये सर्च किया था तो मुझे नहीं मिला, इस वजह से मैंने क्रिएट किया ताकि ये जब चैनल मैं क्रिएट करने के साथ साथ ही ये विद इन वन डे के बाद से जब मैं वीडियो डाल रहा था तो तब से लेकर अभी तक अगर आप सर्च कर भी देखेंगे तो टॉप पर ही दिखाएगा, साथ ही साथ मेरी ही वीडियो आएगा क्योंकि यहाँ पर चैनल का नाम जो है काफी यूनिक है, काफी चैनलों से मिलता जुलता नहीं है, इसीलिए यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वहां पर वो उन सब चैनलों को नहीं दिखाता है, बिल्कुल स्पॉटलाइट गुरुजी से मिलता जुलता ही। और यही जो वर्ड यूज किया गया चैनल और मतलब वीडियो में, वही सब वो सर्च रैंक पर लाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टार्टिंग एज पर जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं, जब लोग आपको सर्च करके देखने की कोशिश करते हैं, जब आपके वीडियोस पे आपके चैनल पर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आप मोटिव होंगे काम करने के लिए, और इसी के लिए चैनल का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कई बार दोस्तों आप लोगों में से काफी लोग होते हैं कि अपने नाम से ही क्रिएट कर देते हैं चैनल, जो कि कोई गलत बात नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब नाम इतना ज्यादा कॉमन होता है कि बहुत सारा चैनल दिख जाता है और वहां पर जो एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चैनल का नाम आप क्रिएट करने के साथ साथ आप ये नहीं सोच सकते कि आप परमानेंटली वहां टॉप पर आप दिखाई देंगे सर्च इंजन पे। जब उस नाम से कोई अगला बंदा क्रिएट कर लेगा चैनल, कंटेंट डालेगा, वीडियो डालेगा, उसकी क्वालिटी होगा, उसके चैनल पर ट्रैफिक आएगा, तो सर्च रैंक पर ऑटोमेटिकली वो आगे आ जाएगा, तो आपका चैनल कहीं दिखेगा नहीं। इसी वजह से काफी यूजर्स जो होते हैं डीमोटिवेट होकर चैनल छोड़ देते हैं और इस तरह से काफी चैनल क्रिएट कर वो छोड़ ही देते हैं, जो कि बेकार जंग जैसा पड़ा रह जाता है कि चैनल सिर्फ क्रिएट है, कोई वीडियो नहीं है, एक वीडियो डाली चैनल बंद हो गया, वैसा कुछ होता है। और कहीं ना कहीं नाम जब अलग होता है तो यहाँ तक कि और भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब जगहों पर भी, या ब्लॉग हो गया या वेबसाइट हो गया, इन सब जगहों पर भी आप अपने उसी यूजर नेम से अगर चैनल बनाते हैं या पेज बनाते हैं या अकाउंट खोलते हैं तो वो जो सेम चीज जो आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी सर्च किया जाएगा तो वहां पर भी आपका ही अकाउंट मिलेगा, ना कि कोई दूसरा बंदा उसी नाम से क्रिएट कर ले और उसके बाद आपके ही नाम का, आपके ही फेम का वो गलत इस्तेमाल करे, वो आपका नाम सोचकर आदमी उसको सर्च करेंगे, उसकी वीडियोस देखेंगे या उसके अकाउंट पर विजिट करेंगे तो ट्रैफिक जो है उसके यहाँ चला जाएगा। जब आप यूनिक बनाते हैं और आपको सभी प्लेटफॉर्म पे सेम जैसा नाम और सेम जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यूजर मिल जाता है, तो आप अच्छा खासा ट्रैफिक बना सकते हैं कि कहीं पे फेसबुक पे भी अगर आपका फैन फॉलोइंग अच्छे है, इंस्टाग्राम पे है या ब्लॉग पे है, ट्विटर पे है, तो उन सब जगहों पर भी आपके जो फैन है वो उसी रूप से ट्रैफिक से सेम टू सेम नाम से सर्च करके वो यूट्यूब पर भी आएंगे, आपको देखेंगे। इसी के लिए चैनल का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पर। और इजिली याद रखने वाला वर्ड भी होना चाहिए ताकि आप किसी के साथ शेयर भी किए वो चैनल का नाम भी ना भूल जाए, जब उसे याद रहेगा तो वो आसानी से सर्च कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिए, यूट्यूब पर इसी तरह वीडियो देखिए, एंटरटेन होइए।